नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि हमारे न्यूज चैनल्स में कई सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बैठकर किस तरह का जहर उगलते हैं, देश का नाम इंटरनेशनली बदनाम करते हैं? ये लोग देश के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गए हैं। और आज मैं आपके सामने तीन मिसाल पेश करने वाला हूं कि किस तरह से मीडिया और उस पर बैठने वाले सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स भारत को बदनाम कर रहे हैं। और मुद्दा नंबर दो, आखिर क्यों राहुल गांधी अपनी जीत को लेकर इतना कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं? वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। मगर सबसे पहले बात गोदी मीडिया, उसके जहर और उसमें चल रहे कॉमेडी शो की। जी हां, कॉमेडी शो। कायदे से मुझे हंसना चाहिए दोस्तों, मगर हो क्या रहा है, जो वाहियात चीजें मीडिया में दिखाई जाती हैं और एक्सपर्ट्स के नाम पर जिन अधकचरा लोगों को, बुद्धिजीवियों के नाम पर जिन दिमाग से पैदल लोगों को दिखाया जा रहा है, वो बहुत शर्मनाक है। सबसे पहली मिसाल रिपब्लिक न्यूज की, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर जो आए दिन नफरती बातें करता रहता है, जिसे कायदे से प्राइम टाइम में नहीं दिखाया जाना चाहिए, वो क्या कह रहा है। ये व्यक्ति बोल रहा है कि कैनेडा पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देना चाहिए। कनाडा में कई भारतीय बसते हैं, वहां कई बच्चे, हमारे कई बच्चे जाकर पढ़ते हैं और बड़ी तादाद में बढ़ते हैं। इनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा है। और ये आदमी नफरत में और वाहियात संवाद के चक्कर में इस तरह की बातें कर रहा है। सबसे पहली बात, साल 2023 में कौन इस तरह की बातें करता है कि एक दूसरे देश पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दें, यानी कि कुछ भी कहना। और दुख की बात यह है कि इस तरह के लोगों का अनुसरण कई लोग करते हैं और इनकी बातों को गंभीरता से भी लिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको सुनवाऊंगा कि रिपब्लिक न्यूज में, जी हां, और कहां बोली जा सकती थी ये बात, रिपब्लिक न्यूज में दिमाग से पैदल ये प्रोफेसर कह क्या रहा है, सुनते हैं। मिस्टर टूडू, तुम क्या हो, आज हमारी 10 सबमरीन हिंदुस्तान से जाएंगी, तुमको नियुक्त कर देंगी कैनेडा, तुम्हारी अस्थि क्या है? आपको याद है दोस्तों, एक बार इसी चैनल का संपादक पाकिस्तान पर कुछ बहस हो रही थी, ये कहकर चिल्लाने लगा था पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को, निकालो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब, हम भी अपने न्यूक्लियर बॉम्ब निकाल रहे हैं। मतलब इस तरह की बातें छोटे छोटे बच्चे करते हैं कि मैं अपने न्यूक्लियर बॉम्ब से तुझे मार दूंगा। न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होगी, हाथ में छड़ी हो गई। ये लोग देश के सामूहिक बौद्धिक स्तर को जमीन के नीचे ला रहे हैं, गाड़ रहे हैं उसे। ये लोग देश के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहे हैं। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरह के कचरे को आप न्यूज चैनल्स पर देखना बंद करें। मिसाल सिर्फ ये नहीं है, एक फॉर्मर डिप्लोमैट हैं दीपक वोहरा, ये वो व्यक्ति है, आपको याद होगा, इसे आप आज से बहुत सालों पहले दूरदर्शन पर देखते थे। अब इन्हें लाया गया है कनाडा के मुद्दे पर, और क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री ने ड्रग्स ली हुई थी, सुनवाते हैं फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। क्रेडिबल क्या कहते हैं, रूमर्स हैं कि इसके जहाज में से कोकेन मिली थी हमारे स्निफर डॉग्स को, और फिर 2 दिन ही अपने होटल में के कमरे में बंद रहा, बाहर नहीं आया। प्रेसिडेंट हमारे भारत के राष्ट्रपति जो डिनर किया था उसमें नहीं गया, लोग कहते हैं कि नशे में था ड्रग्स के, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसका दिमाग में, इसका दिमाग, आपने पहले 2 शब्दों पर गौर किया, क्रेडिबल रूमर्स। ये व्यक्ति डिप्लोमैट रह चुका है, क्रेडिबल रूमर्स का मतलब है विश्वसनीय अफवाह। अरे भाई, अगर अफवाह ही है तो विश्वसनीय किस बात की? और आप एक देश के प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं कि वो ड्रग्स लेता है, ये किस तरह की बातें हो रही हैं? एक जमाने में हम पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का मजाक उड़ाते थे जब हम उन्हें देखते थे अनाप शनाप बातें करते हुए, आज इन लोगों ने देश की क्या हालत बना दी है भाई। कनाडा पर सवाल होने चाहिए कि आखिर कनाडा क्यों गढ़ बना हुआ एक ऐसा जहां पर भारत विरोधी तत्वों को जगह दी जाती है।
बांग्लादेश में जिस व्यक्ति ने मुजीबुर रहमान की हत्या की थी उसे भी कनाडा में जगह बनी हुई है, यकीनन कनाडा से सवाल होने चाहिए। मगर हमें भारत सरकार से भी सवाल करना चाहिए कि पूरा मीडिया तो प्रधानमंत्री को विश्व गुरु बता रहा है, मगर कनाडा के मुद्दे पर अमेरिका आखिर कनाडा के साथ क्यों खड़ा हुआ है? यह भी खबरें आई थी कि जब जो बाइडेन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी तब इस मुलाकात में हरदीप निज्जर की हत्या, कनाडा जिसका आरोप भारत पर लगा रहा है, उसको लेकर भी जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री को ज्ञान दिया था, क्योंकि मीडिया तो आपको बताता है कि प्रधानमंत्री विश्व गुरु हो गया है, तो फिर एक दूसरे देश का राष्ट्रपति भारत को क्या नसीहत दे रहा है उस व्यक्ति के ऊपर जिसे भारत एक आतंकवादी बताता है? एक आतंकवादी पर हमें नसीहत क्यों दी जा रही है दोस्तों? मगर जो मुद्दा मैं आपके सामने उठा रहा हूं वो ये कि मीडिया में अब ये देखिए ना, कनाडा बनेगा पाकिस्तान, मोदी के 56 इंच के सीने के सामने ट्रूडो को आया पसीना, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मीडिया में हो रहा है। लगातार आप जो दर्शक हैं आपके बौद्धिक स्तर, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को नीचे लाया जा रहा है। और बात वहां नहीं रुकती है, एक और मिसाल देना चाहता हूं। एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है टाइम्स नाउ नव भारत के एक एंकर का, उसके अंदर वो सऊदी अरब का मजाक उड़ा रहा है कि तुम लोगों का हम होश ठिकाने लगा देंगे, तुम लोग मीट क्या पेट्रोल के साथ खाओगे, तुम हम लोगों पर निर्भर हो रोटी के लिए चावल के लिए, कुछ भी बोल रहा है। और ये वही पत्रकार है जब मोहम्मद सलमान आते हैं, वो जो सऊदी के शासक हैं, तो उनके सामने खड़े हो जाते हैं लाइन लगाकर, ये देखिए। मगर मैं चाहूंगा आप सुने ये व्यक्ति किस तरह से सऊदी अरब के बारे में क्या क्या कह रहा है, सुनिए। ये गिड़गिड़ाएंगे बॉस, ये अरब देश, ये गिड़गिड़ाएंगे बॉस। अभी ये जानिए कि हम अगर उनसे तेल लेते हैं तो उनका तेल निकाल भी सकते हैं। और ये दुनिया का हाल नहीं है बॉस, ये अरब देशों का भी हाल है। तेल पी के काम नहीं चलेगा, वही गेहूं चावल फल सब्जी मीट खाते हो जो इंडिया भेजता है। पियोगे पेट्रोल, क्या करोगे, गोश्त बनाओगे उसमें उसको पेट्रोल में डुबा के खाओगे कि चावल चाहिए होगा हमारे यहाँ का? और जब तुम मोहम्मद सलमान के सामने लाइन लगा लेते हो उसका क्या, बताओ? और सबसे बड़ी बात, सऊदी के शासक प्रधानमंत्री के परम मित्र हैं। मैं समझना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस बात का अंदाजा है कि ये जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स आपने पाल रखे हैं या जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं, ये लोग अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश को किस तरह से बदनाम कर रहे हैं? और मैंने तीसरा मुद्दा आपके सामने क्यों उठाया, कहने को ये जो क्लिप है बहुत पुराना है मगर इस वक्त इसको लेकर सऊदी अरब में प्रतिक्रिया हो रही है, वहां पर यह वायरल हो रहा है कि देखो किस तरह से भारतीय हमारी तौहीन करते हैं। ये जो तीनों मुद्दे मैंने आपके सामने रखे उसका मकसद क्या था, आपको यह बतलाना कि यह गोदी मीडिया किस तरह से भारत का नाम लगातार बदनाम कर रहा है। कनाडा सऊदी अरब गल्फ कंट्रीज में रहने वाले भारतीयों के लिए मुश्किल हालात पैदा कर रहा है। वो मेहनत कश लोग जो अपने परिवारों के साथ गल्फ कंट्रीज में रहते हैं उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है, इसीलिए इन पर सवाल उठाने की जरूरत है। और इसीलिए न्यूज चक्र में यह आज का बहुत अहम मुद्दा है। आज का दूसरा मुद्दा है राहुल गांधी का। दोस्तों, राहुल गांधी रविवार को असम में थे और वहां उन्होंने कॉन्क्लेव में भाग लिया। वहां पर उन्होंने कई बातें कही मगर जो सबसे बड़ी बात थी, राहुल गांधी का यह दावा था कि अब पूरा जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, यानी कि पूरा जो राजनीतिक संवाद है, वो कांग्रेस के हाथ में है। पहले मुद्दों को भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अलग अलग काम किया करती थी मगर अब पूरी तरह से संवाद और मुद्दे हमारे हाथ में है। उन्होंने इशारा किया कर्नाटक में जीत का। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों में पूरी तरह से बाजी इस वक्त कांग्रेस के हाथ में है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे जो मर्जी करे वो जीत हासिल नहीं कर सकती। अपनी जीत को लेकर राहुल गांधी खासे आश्वस्त दिखे। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। द बीजेपी विंस इलेक्शंस
by distracting and not allowing us to construct our narrative. And so what we did in Karnataka, we fought the election in a way where the BJP could not. What you're seeing today, you know, this gentleman, Mr. Biduri, and then suddenly this Mr. Nishikant Dubey, this is all the BJP trying to distract from the idea of the caste census. They know that the caste census is a fundamental thing that the people of India want, and they don't want to have that discussion. So every time we bring a point on the table, they use this type of stuff to distract. And we've learned now how to deal with it. Sir, if you're Let me finish. We've learned how to deal with it. So what did we do in Karnataka? We gave a clear vision for the state. This is the social security program that we're going to set up for you. And then we control the narrative. If you look at the Telangana election, we are controlling the narrative. The BJP is not even in the narrative now. It's gone. In fact, the BJP party has been decimated. It's over in Telangana. If you look at the narrative in Madhya Pradesh, we are controlling the narrative. If you look at the narrative in Chhattisgarh, we are controlling the narrative. No matter what the BJP tries to do, they are not capturing the narrative anymore. Rahul Gandhi ka focus ekdam saaf hai, dosto. Wo na sirf इस बात पर जोर दे रहे हैं कि राजनीतिक नैरेटिव उनके हाथ में है, वो ये भी कह रहे हैं कि असली मुद्दे भटकाने के लिए रमेश बिधुरी जैसे मुद्दे सामने आ जाते हैं, निशिकांत दुबे जैसे मुद्दे सामने आ जाते हैं। उन्होंने एक बार फिर अडानी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज हम उस युग में जी रहे हैं जब कोई भी बिजनेसमैन विपक्ष को पैसे नहीं दे सकता, स्पॉन्सर नहीं कर सकता, सब कुछ एक व्यक्ति के हाथ में है और वो है गौतम अडानी। बकौल राहुल गांधी, प्रधानमंत्री ने एक ऐसा सिस्टम ला दिया है जिसमें हर चीज इस वक्त गौतम अडानी के हाथ में है, और राहुल गांधी ने वादा किया कि ये सब कुछ बदलेगा जब वो सत्ता में आएंगे। यानी कि गौतम अडानी पर करारा हमला बोला राहुल गांधी ने। यही नहीं, उनसे सवाल यह भी उठाया गया कि विपक्ष क्या बीजेपी से मुकाबला कर पाएगी, तो राहुल गांधी का सीधा सा जवाब था। राहुल ने कहा कि इस वक्त विपक्ष साथ क्यों है, क्योंकि वो लोग भारत को बचाना चाहते हैं, द आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहते हैं। विपक्ष को इस बात का भी अंदाजा है कि किस तरह से बीजेपी उसके वजूद को खत्म करना चाहती है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इस मुद्दे पर विपक्ष एक साथ आए और एक साथ आकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जिस तरह से विपक्ष इस वक्त साथ आई है, ऐसा आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है, क्योंकि विपक्ष को खुद का वजूद बचाना है और भारत को भी बचाना है। मगर बड़ा सवाल यह कि जो बातें राहुल गांधी यहां कह रहे हैं वो काफी है। क्या राहुल गांधी में वो राजनीतिक सोच है जिसके जरिए वो कांग्रेस को ऐसे मुकाम पर ला सकते हैं जिससे वो बीजेपी को चुनौती दे सकती है? क्योंकि जैसा कि राहुल गांधी ने भी कहा कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास मीडिया का साथ है, एजेंसीज का साथ है, पैसे का साथ है, उद्योगपतियों का साथ है, और ऐसा मुकाबला करना नामुमकिन हो जाता है। मगर अगर राहुल गांधी वाकई चुनौती देने को लेकर गंभीर हैं, तो विपक्ष के गठबंधन को ऐसी रणनीति बनानी होगी ताकि ध्यान हमेशा मुद्दों पर बना रहे। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सोच अक्सर विपक्ष से दो कदम आगे रहती है, और वो क्यों रहती है? क्योंकि वो अक्सर मुद्दों को भटकाना जानती है। मुद्दे इस तरह से सामने आ जाते हैं जिसके बाद पूरा नैरेटिव बदल जाता है। यही बात है कि राहुल गांधी ने कहा कि इस वक्त पॉलिटिकल नैरेटिव उनके हाथ में है, मगर क्या यह कह भर देने से काफी हो जाएगा? इंतजार रहेगा। न्यूज चक्र में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।